अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच केचप, 2-3 रेड मिर्चें, 1 बड़ी प्याज क्यूब्स में कटी हुई, 1 चम्मच लहसुन, 2 गाजरें क्यूब्स में कटी हुई, 1 शिमला मिर्च, 2 चम्मच मैक्रोनी पाउडर मसाला, 1 चम्मच चिली गार्लिक सॉस और 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 पैकेट मैक्रोनी का और 1/2 किलो गोश्त बगैर हड्डी का। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी 1 पैकेट। और 2 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल, इससे चिपकेगी नहीं। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो रही है, इसमें बराबर चम्मच चलाते रहें वरना ये इसको फुल आंच पर बॉइल कर दें। मैक्रोनी हमारी बॉइल हो चुकी है, अब हम डालेंगे कढ़ाई में तेल 1/2 कप, डालेंगे लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होगा तो हम डाल देंगे इसमें गोश्त। ब्राउन हो चुके हैं लहसुन, अब हम डालेंगे इसमें गोश्त। पांच मिनट गोश्त को भूनेंगे इसमें। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें गाजरें। इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। गाजरें फ्राई हो चुकी हैं, अब हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च। फ्राई करेंगे, शिमला मिर्च और प्याज हमने डाल के फ्राई कर ली, अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। मैक्रोनी मसाला डाल दिया, इसे फ्राई करेंगे। मसाला हमने भून लिया, अब हम डालेंगे केचप। Thank you.
और चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। अब हम डालेंगे 2-3 चम्मच सिरका। एक चम्मच सोया सॉस, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। मसाले सब्जी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम डालेंगे मैक्रोनी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। मैक्रोनी हमने प्लेट में डाल दी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।